असलम नाजीन मैं हूं साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टू टी वी नाजरीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की और इन दिनों एक मरतबा फिर जो मुख्तलिफियासी जमातें हैं तौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और जे यू आई फे जो है तो उनके रनुमा बड़े एक्टिव हैं खासतौर पर आसफ अली जरदारी के इन दिनों लाहौर में जो डेरे हैं वो बहुत मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं और ख़ास तौर पर कल जो उनकी अहम मुलाकात एक हुई है मुस्लिम लीग काफ़ की क्यादत के साथ बज़ाहिर तो ये यादत का एक था कि किदत करने गए हैं चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी लेकिन इसदत के पीछे भी बहुत कहानियाँ हैं इससे पहले एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिजब अखिलाफ शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज़ भी इस मौके पर मौजूद थी और हमजा शहबाज भी थे तो उनकी ये जो मुलाकात थी ये बहुत मानी खेज थी क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े सख्त बयान देते रहे हैं हैंबतें भी आपस में रही हैं लेकिन यह है बहुत कभी कभी जो हैं वो इतनी बढ़ जाती थीं कि इतने इस तरह और इतने नज़दीक आ जाते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन कि ये समझा जाता था कि शायद इनकी सियासत जो है वो अब एक हो चुकी है लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि फ़ासले भी इतने बढ़े कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक दूसरे कि एक मरतबा बहुत ज़्यादा दोनों जमातों के जो ये लीडर्स थे वो एक दूसरे के साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी थी लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान भी आए और तौर पर बिलावल भुटो जरदारी ने बहुत तलख जो है वो लहजा अख्तियार किया अब मौजूदा जो सिनारी जा रहा है जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो चीज़ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नोन और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब से पी से पीपल्स पार्टी अलग हुई उसके बाद से मौलाना रहमान भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब आ गए थे लेकिन ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान जो रबते हुए हैं इससे मौलाना रहमान ज़रा साइड लाइन हो गए हैं मौलाना फजल रहमान ये चीज़ महसूस भी कर रहे हैं और उनके जो करीबी दोस्त हैं और उनके पार्टी के जो सीनियर रानु वो इस पर बड़ा गिला भी कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की ये मुलाकात शहबाज़ शरीफ़ के साथ हुई है उसमें मौलाना फ़जलरमान जो है वो शायद साइड लाइन हो गया और मुस्लिम लीग नून की क्यादतें भी उनको एतमाद में लेना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा इस मुलाकात के पहले भी और मुलाकात के बाद भी, भी। चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो मुलाकात हुई है उस बारे में कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़लाही और मुस्लिम लीग नून के जो मुस्लिम लीग काफ के जो दीगर रनुमुआ हैं जिनमें अरकान कौमी इसम्बली चौधरी सालक हुसैन भी मौजूद थे मून जो विफाक़ी वज़ीर हैं और चौधरी परवेज़ अलाई के साहबजादे हैं वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे विफाकी वजीर हाउसिंग व तमीरत तारक बशीर चीमा भी उस मुलाकात में मौजूद थे तो मुस्लिम लीग काफ की जो क्यादत है सीनियर क्यादत जो है वो तमाम मौजूद थी और इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने उनके साथ जो है वो आइंदा के जो सियासी हमत है उस पर भी डिस्कस किया इस वक्त जो ख़बरें मीडिया में जो ख़बरें आ रही हैं जो चीज़ें जो अंदर के ज़रा जो बता रहे हैं के आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ की क्यादत को ये पेशकश किया है कि वो उनके साथ अगर चलें तो आपस में मिल के हम कोई आगे का लाहेमल तय कर लेते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कोई पेशकश भी की है मुस्लिम लीग काफ की क्यादत को लेकिन मुस्लिम लीग काफ की क्यादत जो है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें पीपल्स पार्टी के साथ शायद ना चल पाए फौरी तौर पर अगरचे जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो रद्दमला है उसमें ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और इसके इतिहादी रहेंगे लेकिन इतिहादियों में चीजें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इख्लाफा का बास भी बनती रही हैं इनके दरमियान भी फ़ासले बड़े भी हैं और फासले जो है वो फिर सिमटने में भी देर नहीं लगती एम क्यू एम जो है उसके साथ भी आज एम क्यू एम की क्यादत की भी आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ तो यकीनी तौर पर ये जो इस वक्त रबते हैं वो जो बढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है मौजूदा सियासी इसमें कुछ इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि शायद जो है वो कोई नए जो है सफबंदी की जा रही है लेकिन मौलाना रहमान बिल्कुल जो है वो साइड लाइन हो गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी जद तहरीक भी चलाई मार्च भी किया लेकिन उसके बाद जो है वो फिर खामोश हो गए इलेक्शन में उन्हें यकीनी तौर पर खैबर पख्तनख्वा में जो कामयाबियाँ मिली हैं उससे उनका हौसला बढ़ाए लेकिन वो कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं पी डी एम का जो प्लेटफार्म है इस वक्त उससे कौमी uh, कौमी कौम और औरट में अगर हम देखें तो जो सूरत हाल रही है पिछले दिनों जो खास तौर पर जो फैनानस बिल आया उसकी मंजूरी के हवाले से पीपल्स पार्टी उस तरीके से अपना किरदार जो है वो नहीं अदा कर सकी मुस्लिम लीग नून वो रोल प्ले नहीं कर सकी जिसकी तो की जा रही थी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब देखने में आ रही हैं कि उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लिमेंट हैं वो शायद जो है वो जब बाज़त ऐसे भी आलात आते हैं कि वो हुकूमत के साथ इस तरह लगता है कि हुकूमत के साथ शायद उनका कोई आपस में पैचअप हुआ है हकुमत के साथ वो मिल के भी चल रहे हैं लेकिन उनकी क्यादत जो है वो जो है वो एक सख्त लहजा हुकूमत के खिलाफ अख्तियार की हुई है मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जिव कमेटी के इजलास में भी ये तमाम चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं और खासतौर पर बड़ा शिकवा जो है वो किया गया जो सैनट में जिस तरीके से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के बाद सैनटर गायब रहे सैनट में कायदे से या यूसुफ रज़ा गिलानी गायब रहे तो तो इससे भी दोनों जमातों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई थी और एक चीज़ ये महसूस की जा रही थी कि ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ फिर नाबरदाज़मा होने जा रही हैं लेकिन लाहौर की मुलाकात बहुत आम है पीपल्स पार्टी जो है लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है एक दूसरे पर अतमाद करने के लिए अब कतन तैयार नहीं है क्योंकि माजी का बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है मिसाखी जमूरीत के बाद जिस तरीके से उसका अशर किया और पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो है वो जिस तरीके से पीछे हटे उस माहदे से और फिर उसके बाद से दोनों जमातों अगरचे वक्ती जो है वो चूँकि अब मजबूरी भी है दोनों जमातों की हकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आ, चलना लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इस तरह नहीं हो सकता कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मिल के हकूमत के खिलाफ शायद कोई तहरीक चला पाए बहरहाल आने वाले वक्त में क्या होगा अभी ये चीज़ें जो है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई अदम एतम की तरीक लाना चाहते हैं लेकिन उसके हवाले से सनेट के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो है सब, शायद कहा जा रहा है कि पहले जो है अपोजीशन जो है वो कोई उनके खिलाफ एतमाद की तहरीक लाएगी और इसको एक टेस्ट केस शायद बनाया जाएगा लेकिन ये चीज़ें अभी तक कुछ तय नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जो है, वो चाहती हैं कि जो हकूमत के इतिहादी हैं उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए मुस्लिम लीग काफ के बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त तौर पर पंजाब में जो बलदियाती एक्ट है उसके हवाले से बड़े रिजर्वेशनस नहीं हैं लेकिन वजी अजम इमरान खान के साथ जो चौधरी परवेज़ला ही की मुलाकात हुई थी उसमें मामला तय भी तय हो गए थे तकरीबन तो अब मुस्लिम लीग काफ जो है फौरी तौर पर शायद जो है वो हकूमत के खिलाफ किसी नए अलायंस का जो है हिस्सा बिल्कुल बनने के लिए तैयार नहीं है इस ये एक चीज़ वाजह है कि मुस्लिम लीग काफ़ ये चाहती है कि जो मौजूदा जो सेटअप है वो इसका हिस्सा रहे और मौजूदा हुकूमत की जब तक मुद्दत है मियाद है इसके साथ जो है वो हकूमत के साथ मिलकर चले बहरहाल आसफ अली जरदारी भी गेम जो है वो नया गेम प्लान लेके चल रहे हैं देखें उनका ये गेम प्लान कब तक कहाँ तक कामयाब होता है लेकिन ये तभी इस सिलसिले में कोई पेशर रफ्त होगी जब हुकूमत जो है आ, के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जो है उसका साथ देगी लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि दोनों जमातों के क़ायदी एक दूसरे पर अतमाद करने के लिए कतन तैयार नहीं हैं और मुलाकातें यकीनी तौर पर होने होती रहेंगी खाना भी एक दूसरे के साथ खाते रहेंगे मिल कर बैठते भी रहेंगे बयान भी सामने आते रहेंगे लेकिन हकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में मैं समझता हूँ कि दोनों जमातों के जो कारकुन हैं वो भी शायद मिलकर जो न चलें दूसरी तरफ वज़ी अजम इमरान खान जो है वो भी अब अवमी रबता मुहम शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि वो आप चाहते हैं कि ये जो अपोजिशन की ये जो मार्च और इस तरह के जो तहरीकों की जिस तरीके से अपोजिशन धमकियां दे रही है तो अब जब हुकूमत की तरफ से अवामी रबता मुहिम शुरू होगी और वज़ी अजम इमरान खान खुद इस सिलसिले में बाहर निकलना चाहते हैं जल से करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क में जो सियासी माहौल है उसमें बड़ी जो है वो एक गर्मा गर्मी जो है आइंदा देखने को मिलेगी लेकिन इस वक्त तक अपोजिशन के दरमियान जो है हमें इतिहाद नजर नहीं आ रहा अपोज़िशन जमातें आपस में तकसीम हैं मौलाना रहमान बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए और सख्त नाराज़ हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त रबते हुए हैं उनकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा उन्हें तहफ़ात हैं और ख़ास तौर पर उन्हें ये शिकवाया कि उन्हें अतमाद में नहीं लिया जा रहा और दोनों जमातें जो हैं अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो रबते कर रही हैं बहरहाल हकूत को मौजूदा जो हालात हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ख़तरा होगा अदम एतमाद की तरीक़ लाएँ भी तो मैं पिछले जो फैनान्स तरमीमी बिल था उसमें भी दोनों जमातों ने मिलकर देख लिया के पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नू ने लेकिन वो फिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा सेनेट में भी इसी तरह यही हुआ कि अक्सरीत के बावजूद अपोजिशन शिकस्त खा गई तो अदम अतमद की तहरीक तो मेरे ख्याल में शायद जो है मौजूदा हालात में जो है शायद लाए लाएँ अपोजीशन जमातें लेकिन कामयाबी जो है मिलना उन्हें मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन ये हो सकता है के जो इतिहादी हैं उनको उनके उनको साथ मिलाने की जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोशिश करें लेकिन उनके इतिहादी भी जो है वो एम क्यू एम की बात करें या मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो वो भी मैं समय जिस तरह कहा जाता है कि वो कच्ची चीज़ गोलियाँ नहीं खेल रहे वो भी किसी सूरत ऐसे एजुटेशन का या ऐसी तहरीक का ऐसा मेरे इन हालात में नहीं बनेंगे जब उसकी कामयाबी के कोई इम्कान अभी नज़र नहीं आ रहे इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ बसानी आप तक पहुँचती रहें बहुत शुक्रिया